गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ भाई नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत आभार स्वागत करता हूं। आज तक क्लास 15 हो चुकी है, आज क्लास 16 को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन लेते हैं, जो बोर्ड को क्वेश्चन दिखा दे रहा आपको, इस क्वेश्चन से हम क्लास को आगे क्यों स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि इस फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए तथा नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक है। 25% अधिक है तो क्या बताया, किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो मान लेते हैं उसका काम पहले कितना था, वर्क यानी कार्य, मान लेते पहले उनका काम 100 था। यही तो है कि पहले उनका काम 100 था, किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए, पहले कितना मान लेते हैं कि 100 तो हम कितना हो गया 150 हो गया। मान लेते हैं कोई मैं ये मजदूर है वो कुर्सियां बनाते हैं, पहले वो 100 कुर्सियां बनाते थे, 100 कुर्सियां बनाते थे, जबकि उस कार्य की क्षमता कितनी बढ़ गई है, 50% बढ़ गई है। अब वो कितने बनाते हैं 150। अब 50% बढ़ जाने पर 100 पर 50% बढ़ जाने पर कितना होता है 150, तब उन कार्य की क्षमता कितनी हो गई 150। अब उसको कुर्सियां कितनी बनानी पड़ती है 150 बनानी पड़ती है। तो आगे सुनने क्या दिया है कि तो आदमियों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाए कि काम पूर्ण निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाए तथा नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से कितनी है, पुराने वाले से 25 अधिक है। तो क्षमता कार्य क्षमता क्या होती है, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी वैल्यू से कितनी अधिक है CI, एफिशिएंसी कार्य क्षमता। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से कितनी अधिक है, 25% अधिक है। तो 25% की रिएक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, तो पुराने वाले मजदूर क्या है ओल्ड मैन से, पुराने वाले से 25% अधिक है। जो नए मजदूर है उनकी कितनी अधिक है न्यू मैन की कितनी अधिक है 4, तो पहले से अधिक है। पहले जितना काम 4 मेंबर करते थे, जितना काम चार करते थे उससे अभी तो उतना काम कौन कितना करते हैं, उससे अधिक 1 मिनट फालतू कितना करते हैं, नए मजदूर कार्य को करते हैं। मान लेते हैं पहले वाले मजदूर की कार्य क्षमता कितनी थी 4 मिनट, पहले वाले कितने बनाते थे एक दिन में 4 छेद बनाते थे, तो उसे 100 कुर्सियां बनाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता है, एक दिन में 4 कुर्सियां बनाते थे पहले वाले मजदूर, तो अब टोटल कुर्सियां एक दिन कितनी बनती थी 100 कुर्सियां, तो एक दिन में उसे कितने आदमियों की आवश्यकता, कितने मजदूरों की आवश्यकता है 25, तो 25 गुणा 4 25 आदमी एक दिन में 4 कुर्सियां बना, सॉरी एक आदमी एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता, तो 25 आदमी कितनी कुर्सियां बनाएंगे 100, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 100, तो पहले कितना बनाते थे 100। जब आगे अब क्या दिया हुआ है कि 100 कुर्सियां बन चुकी है, आगे क्वेश्चन ये तो दिया गया, तो ये बात तो कहीं नहीं दी हुई कि पहले नए मजदूर आ जाने पर पहले वाले मजदूर काम नहीं करेंगे। आगे क्या दिया क्वेश्चन में कि आदमियों की संख्या कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाए कि काम पूर्ण निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए तथा नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक है। तो पुराने वाले भी हैं और नए वाले, जो पहले कितने कुर्सियों का काम हो चुका है 100 कुर्सियां तो पहले बन चुकी है 100, जबकि बढ़ाने पर उसकी टोटल कुर्सियां कितनी बढ़ानी है 150, तो 100 तो अभी तक बन चुके, तो बाकी कितनी हुई प्लस 50 कुर्सियां बाकी है, तो 50 कुर्सियों को 25 आदमी तो यहाँ कर चुके हैं काम को 25 कर चुके हैं, अब आगे हमें कितने आदमी का आवश्यकता है ताकि ये कुर्सियां बन सके, यानी उसके नए आदमी कार्य क्षमता एफिशिएंसी कितनी है 5, एक दिन कितनी कुर्सियां बना सकते हैं एक पर आदमी 5 कुर्सियां, तो 5 कुर्सियां क्या होता है बट्टे में 5, तो कितने आदमी की आवश्यकता है 10 आदमी की आवश्यकता है। पहले कितने आदमियों की आवश्यकता थी, पहले वाले में 25 आदमियों ने काम मिलकर काम किया पर दिन, यानी हर व्यक्ति 4 कुर्सियां बनाता है, तो 100 कुर्सियां बनाने कितने आदमी की आवश्यकता हुई 25 की,
आगे अभी क्वेश्चन में दिया है कि पहले वाले मजदूर थे वो कितनी कुर्सियां बना चुके हैं अभी तक, 100 कुर्सियां बना चुके हैं, बाकी कुर्सी कितने बची, 50। तो 50 कुर्सियों को नए वाले मजदूरों ने मिलकर की, तो उसकी कार्य क्षमता कितनी थी, वो 1 कुर्सियां, सॉरी वो 5 कुर्सियां, एक आदमी 5 कुर्सियां पर दिन बनाता था, तो 5 डिवाइडेशन करने पर कितने आदमी वापस हुए, तो अभी 50 कुर्सियां बनाने के लिए 10 मेंबर की। तो नए मजदूर की कार्य क्षमता हमें याद करनी है, तो क्या करना आगे हमें नए की करनी है, तो नए वाले मजदूर कितने हैं 10, और पहले वाले कितने थे 25 थे, तो कार्य क्षमता पुराने वाले से कितने प्रतिशत अधिक है, ये तो पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, प्रतिशत के क्या लिए क्या लगाते हैं, तुम्हें 100 इक्वल में 25 कम 25 25 100, 10 को 4 से इंटू इक्वल टू कितने मजदूर की आवश्यकता है, कितने मजदूर, सॉरी क्वेश्चन क्या है, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, 40% की वृद्धि की जाए, ये तो हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी कमरे में कुछ बिल्लियां था कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट था, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट लेता है, यदि 45 जानवर द्वारा कुल 365 बिस्कुट खाए गए तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल जानवरों की संख्या कितनी है, 45 है, 45 है टोटल जानवरों की संख्या, तो टोटल जानवर कितने हैं हमारे पास 45, उसमें से कुछ कुत्ते तथा कुछ बिल्लियां है, तो मान लेते कुत्तों की संख्या कितनी है एक्स है, तो बिल्लियों की संख्या कितनी होगी, टोटल जानवर आपके पास 45 है उसमें से कुछ कुत्ते हैं, कुछ कुत्तों को हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, तो बिल्लियों की संख्या क्या होगी 45 माइनस एक्स, यही तो होगी। आगे प्रश्न में क्या दिया हमें कि प्रत्येक बिल्ली कितना बिस्कुट खाती है, 7 बिस्कुट खाती है, प्रत्येक कुत्ता कितना बिस्कुट लेता है, 9 बिस्कुट लेता है, तथा यदि 45 जानवरों द्वारा कुल कितना 355 बिस्कुट खाए गए, 355 बिस्कुट खाए गए, तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या याद कीजिए। तो कुत्ता कितने बिस्कुट लेता है 9, तो एक कुत्ता 9 बिस्कुट लेता है, तो एक्स कुत्ते कितने बिस्कुट लेंगे 9x प्लस प्रत्येक बिल्ली कितना बिस्कुट लेती है 7 बिस्कुट लेती है, तो बिल्लियों की संख्या हमारे पास कितनी है 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स को, जबकि प्रत्येक बिल्ली कितना बिस्कुट लेती है 7 बिस्कुट, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 7 में 35, 3 7 28, तो 30 रहेगी 31, 315 माइनस 7x, टोटल 45 जानवरों द्वारा कितने बिस्कुट खाए गए 355, ये तो हमें दिया है। सरल करने पर क्या प्राप्त होता है 9x माइनस 7x क्या आएगा 2x इक्वल में 355 माइनस 315, घटाने पर क्या प्राप्त होता है 2x इक्वल टू क्या होता है 0 और 4 0 कितना प्राप्त होता है 2x इक्वल टू 40, तब x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 40/2 20, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 20, तो कुत्तों की संख्या कितनी है हमें 20, ये तो मेरे को सुनकर से पूछा कि x x की वैल्यू कितनी है 20, तो ये x हमने क्या मानता था कुत्तों की संख्या, तो कुत्तों की संख्या क्या आएगी 20, कुत्तों यदि कुत्तों की संख्या 20 है तो टोटल जानवर हमारे पास कितने हैं 45, तो 45 में से 20 कुत्ते हैं, तो बिल्लियों की संख्या क्या बन जाएगी 45 माइनस 20, तो बिल्लियों की संख्या कितनी आएगी 25, ये तो मेरे को सुनकर से पूछा था कि कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुत्तों की संख्या कितनी है 20, बिल्लियों की संख्या कितनी होगी 25। इस क्वेश्चन को हम एक सेकंड मेथड से और करते हैं, एग्जाम में करते हैं वैसे, कैसे देखो टोटल हमारे पास जानवरों की संख्या कितनी है दिए प्रश्न में 45, प्रत्येक बिल्ली और एक कुत्ता, ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट लेती है, जबकि प्रत्येक कुत्ता कितना बिस्कुट लेता है 9 लेता है, क्या बिल्ली कितना बिस्कुट लेती है 7, सात बिस्कुट लेती है, जबकि कुत्ता कितना बिस्कुट लेता है 9 लेता है, तो हम 9 को और किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस 2, यदि आपको कोई बोले कि आपके पास मान लो 20 रुपए है, तो आपने बोला कि मेरे पास 10 और 10 रुपए है, तो 10 और 10 कितने होते हैं 20, होते तो 20 है, ठीक है, इनको हम किसी प्रकार बोल सकते हैं, ये 18 आपको पूछे कि आपके पास कितने पैसे, आप बोलते हो कि 18 प्लस 2 रुपए है, वैसे हम 9 को क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 2 लिख सकते हैं, है तो 9 ही, एड करने पे क्या प्राप्त होता है टोटल 9,
तो अगर अंग्रेजी सूत्र में दिया है कि यदि 45 जानवर 355 विषुक खाए, वह टोटल विषुक कितना खाता है? 355। जबकि ये तो जबकि बिल्ली और कुत्ते सेम तो 7-7 यूनिट खा रहे हैं, 7 यूनिट खा रहे हैं, 2 यूनिट ये तो एक्स्ट्रा है, तो 7 कुत्ते और बिल्ली दोनों मिलकर कितने विषुक खाएंगे? 45 × 7, 7 × 35, 3 × 7 = 28, 2 × 3 = 31। कुत्ते और बिल्ली ने दोनों में कितने यूनिट खाए? 7, तो 7 खाए कितने? 300। टोटल कितना हो गए? 315। 315 घटाने पर कितने बचते हैं? 40। ये 40 क्या है? एक्स्ट्रा 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 किसने खाए थे? कुत्ते ने तो 2 खाए होंगे, एक्स्ट्रा कुत्ते ने खाए थे, 2 से डिवाइडेशन करते हैं, क्या आता है? 20। तो कुत्तों की संख्या कितनी होगी? कुत्तों की संख्या 20। कुत्तों यदि कुत्तों की संख्या 20 है तो टोटल जानवर कितने हमारे पास? 45। तो 20 में से 45 को डिवाइडेशन करने पर घटा सॉरी घटाने पर कितने प्राप्त होते हैं? 25। ये तो हमें पिप्पू की सूत्र पूछा कि कुत्ते और बिल्ली की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुत्तों की संख्या कितनी आई? 20, जबकि बिल्ली की संख्या कितनी है? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी चिड़ियाघर में खरगोश तक कबूतर है तो कुछ शेरों की संख्या 280 है तथा कुल पैरों की संख्या 820 है तथा कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शेरों की संख्या मतलब टोटल जानवर कितने हैं उनके पास? पक्षी कितने हैं? 280। शेरों की संख्या 280 है तो टोटल जानवरों की संख्या कितनी हो गई? 280 है। उसमें से कुछ क्या है? खरगोश और कुछ है कबूतर है, कबूतर और कुछ क्या है? खरगोश। यही तो है, कबूतर और खरगोश है तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। कबूतर कितने पैर होते हैं? 2। जबकि खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। तो 4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 2+2 लिख सकते हैं ऐसे। तो यह भी क्वेश्चन दिया है कि कबूतरों कुछ सिरों की संख्या 280 है, कुल सिरों की संख्या 280 है तथा कुल पैरों की संख्या कितनी है? 820 है। टोटल पैरों की संख्या कितनी है उनके पास? 820 है। कबूतर के पैरों की संख्या 2 होती है, खरगोश को 4 होती है। खरगोश के 4 पैरों हम क्या लिख सकते हैं? 2+2 लिख सकते हैं। तो 2 पैर तो कबूतर के भी है, 2 पैर किसके हैं? खरगोश के भी है। जबकि टोटल जानवरों की संख्या कितनी है? 280। तो 280 × 2 क्या आएगा? 56,560। तो इन दोनों की कुल पैरों की संख्या कितनी आई? 560। ये तो आई, घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 0, 6 और 6, 2, 260। तो ये कह रहा है कि इनके पास टोटल पैरों की संख्या 820 है, जबकि कबूतर और खरगोश के बराबर पैरों की संख्या कितनी है? 560। तो 260 क्या है? एक्स्ट्रा क्या है? जो खरगोश के पास 2 पैर अलग है तो वही तो है। तो इसे सबट्रैक्शन करने पर क्या प्राप्त है? डिवाइडेशन करने पर 2 × 2, 2 × 3 = 6 क्या प्राप्त होगा? 130। तो टोटल जानवरों की संख्या कितनी है? 280। उसमें से एक्स्ट्रा क्या है? खरगोश के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है तो 2 पैर की वैल्यू क्या आई? 130। तब खरगोश की संख्या कितनी होगी? 130। खरगोश की संख्या कितनी होगी? 130। टोटल जानवरों की संख्या कितनी है? 280। उसमें से खरगोश की संख्या 130 है तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी? 280 − 130 क्या आएगा? 5 कितनी होगी? 150। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कबूतरों की संख्या कितनी ज्ञात कीजिए, तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी? 150 होगी। जबकि खरगोश की संख्या कितनी होगी? 130। टोटल जानवरों की संख्या कितनी है? 280। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, यदि पुरुष 6% तथा महिलाएं कितने प्रतिशत? महिलाएं 14% वृद्धि हुई, तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 है हो जाती है, तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है टोटल वर्तमान शहर की? 5000। यही तो है, जबकि इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? मेल की 6% और फीमेल की जनसंख्या कितनी है? 14%। सॉरी, पुरुष की संख्या में 6% और जब महिला की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? 14% की। फीमेल में कितनी वृद्धि हुई? 14% की। 14% को किस प्रकार लिख सकते हैं? 6% + क्या होता है? 6% + 8%।
यही तो है। तो फिर आगे इसमें क्या है कि जब तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। तो 5540 यानी कितने की वृद्धि होती है, 540 की वृद्धि होती है। ये तो दिया है, कितनी वृद्धि हो जाती है, 540 की। तो ये 6% तो मेल और फीमेल दोनों इक्वल इक्वली तो है। तो 5000 का 6% कितना होता है, 0.6 × 30 300। तो 300 मेंबर क्या है, 5000 से मेल भी है और 6% कितना आता है, मेल और फीमेल कितनी है, 300। तो ये भी है। तो पहले अधिक कितनी थी, 540, उसमें से 300 मेल और फीमेल को बराबर है, 6% मेल और फीमेल का है। तो 300 घटाते हैं, कितना बचता है, 0, 4, 240। तो उनके पास एक्स्ट्रा कितने और मेंबर रह गए, 240। 240 किसकी वजह से है, फीमेल का 8% की वजह से। फीमेल का 8%, 8/100 = 240। तो फीमेल का कितने से क्या आएगी, 8 × 3 = 24, कितना है, 30। फीमेल की संख्या कितनी आ गई, 3000। तो इसमें फीमेल, ये तो मैं पूछा कि पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या याद कीजिए, यदि फीमेल की वर्तमान संख्या 3000 है, तो 5000 में से फीमेल की संख्या 3000 है, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी, 5000 में से 3000 घटाने पर कितना बचता है, मेल की संख्या कितनी होगी, 2000। ये तो मैं क्वेश्चन पूछा है कि पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या याद कीजिए, तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, क्या है गांव की जनसंख्या, 9600 है, उसमें से यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो, महिलाओं की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो, 5% की, जबकि पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, 8% की। 8% को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 5% + 3%, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है कि वृद्धि हो तब एक वर्ष बाद जनसंख्या 10272 हो जाती है, कितने दिन बाद, एक वर्ष बाद 272 हो जाती है। तो किस संख्या में कितना चेंजमेंट हुआ, 10272 9600 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 2760 यानी 672, कितने की वृद्धि हुई, 672 की वृद्धि हुई, 672 की वृद्धि हुई। तो पहले 672 की वृद्धि हुई, तो 5% तो मेल भी है और फीमेल भी है, 5% क्या है, मेल और फीमेल दोनों है, 5% मेल और फीमेल दोनों है। तो 5 में से 5% मेल और फीमेल भी दोनों है, जबकि मेल क्या है, 3% एक्स्ट्रा भी है इनके पास, तब 9600 का 5% कितना होगा, का 5/100, ये 2020 कैंसिल, 9600 को 5% पर आएगा, क्या था, 6/30 3 × 5 = 45 3 × 48। तो 480 तो इनके पास दोनों मेल और फीमेल के पास मिलाकर है, जबकि 3% एक्स्ट्रा है, तो 600 ज्यादा थे, पहले कितनी थी जनसंख्या 9600, जबकि बढ़कर कितनी हो गई, 10272, एक वर्ष के बाद क्या हो गई, 10272 हो गई, 10272 में यानी बढ़ाने पर कितनी बड़ी वृद्धि हुई, 672 की, जबकि उसमें दिया कि 9600 का 5% फीमेल और 5% मेल दोनों है, लेकिन मेल क्या है, 3% इसके पास एक्स्ट्रा है, यही तो है। तो मेल और फीमेल निकाले क्या था, 9600 5% यानी 480 तो मेल और फीमेल है, किस में से, 672 में से, 672 में से 480 घटाने पर क्या बचता है, 2, और 17 में से 8 जाने पर क्या बचता है, 9, ये 192। तो 192 क्या है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कौन है, मेल, मेल का क्या दिया हुआ, 3% को क्या लिखते हैं, 3/100, कितना एक्स्ट्रा है, 192। ये तो प्रश्न में दिया हुआ है कि एक्स्ट्रा है, कितना, 3%, 3% क्या आएगा, आगे कितना दिया हुआ है, उसका अंतर 192, तो 192 3 से काटने क्या बचता है, 3 × 6 = 18, और आगे बच्चा क्या कह दिए, 3 × 6 = 18 1 × 3 = 12 6400। तो मेल की संख्या कितनी होगी, 6400, मेल की संख्या 6400 है, 6400। तो टोटल ग्रुप जनसंख्या कितनी है, 9600, उसमें से मेल कितने हैं, 6400, यानी पुरुष कितने हैं, 6400। तो फीमेल की जनसंख्या क्या होगी, 9600 - 6400,
यही तो होगी 0023। तो फीमेल की जनसंख्या कितनी होगी 3200 और जबकि मेल की जनसंख्या कितनी होगी 6400। ये तो मेरे प्रश्न ने पूछा कि पुरुष की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 6400। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 से क्या हो जाता है, 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स कितना उसका, मैक्सिमम मार्क्स एक्स है, है एक्स है। तो कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, जब मैं टोटल नंबर्स कितना है इनके, हमने माना कि एक्स है, तो एक्स का 25% नंबर लाता है और वह क्या करता है 210 से फेल हो जाता है। तो टोटल नंबर कितना लाता है एक्स, एक्स मैक्सिमम मार्क्स पुनः कितना का है एक्स का, एक्स में से 25% नंबर लाता है और 210 से फेल हो जाता है। तो वह 55% अंक लाता है तो वह 240 से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो कैसे एक्स का 25% नंबर आता हो 25/100 एक्स का 25% एक्स इंटू 25% एक्स का कितना नंबर 25% और कितने से फेल हो जाता है प्लस 210 से फेल हो जाता है इक्वल। यदि वह 55% अंक लाता है, यदि वह एक्स का 55% नंबर लाता है तो कितने से पास हो जाता है 240 से पास हो जाता है। यानी पास कितने से हो जाता है 240 से पास होता है, उससे कितना नंबर पास होना था 240 से पास हो जाता है। तो -240 यही सही क्या है पूर्णांक है। तो सरल करने पर क्या प्राप्त होता है 25% एक्स माइनस 55% एक्स, इसको इधर ले जाने पर कितना बचते हैं 55 में से 25 घटाने पर 0 और 3 यानी 30%। 30% इसको समांतर करने पर कितना आता है 30% माइनस 25% कितना प्राप्त हुआ 0 30% प्राप्त हुआ। और इसको पक्षांतर करने पर वो क्या होगा 240 प्लस 210 यानी कि 450 यही तो प्राप्त हुआ। तो 30% की 30% किस इक्वल है 450 की इक्वल है। तो 1 इक्वल होगी किसकी इक्वल होगी 130% हम इस प्रकार लिख सकते हैं 30/100 इक्वल टू 450। पक्षांतर करने पर क्या प्राप्त होता है एक इक्वल क्या होगी 450 गुणा 100/30 ये ऊपर चला जाएगा। इसको इससे काट कर क्या प्राप्त होता है 3 × 3 = 15 तो एक इक्वल क्या आएगी 1500। तो इसका पूर्णांक कितना होगा मैक्सिमम मार्क्स कितने का है 1500 ये तो हुआ। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई 1500। आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 55% अंक लाता तो वह 240 से पास होता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने मैक्सिमम मार्क्स तो याद कर लिया, याद कर लिया कितना प्राप्त हुआ 4500। जबकि हमें पास होने के लिए मार्क्स क्या चाहिए उत्तीर्ण नंबर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं इसके अंदर एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू पुट करने पर क्या प्राप्त होता है एक्स कितना है 1500 ये तो निकला था हमारे पास। एक्स का 25% 25/100 प्लस कितना 210 ये तो आ 20 से 20 कैंसिल या फिर ऐसे करो 25/100 क्या लिखते हैं 1/4 ये तो लिखते हैं। 4 से डिवाइडेशन करने पर क्या था 4 की 12 की 3 4 × 20 = 28 2 × 4 = 20 कितने हुआ इक्वल में 375 प्लस 210 तब क्या प्राप्त होगा 5, 8 और 5। तो उत्तीर्ण नंबर कितने हैं 525 यही तो है। आगे पेपर से क्या पूछा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उत्तीर्ण प्रतिशत को क्या लिखते हैं पास परसेंटेज इक्वल क्या आता है पास परसेंटेज इक्वल क्या आता है पासिंग मार्क्स अपॉन उत्तीर्ण यही तो है। उत्तीर्ण प्रतिशत क्या आएगा टोटल नंबर कितने हैं मैक्सिमम मार्क्स यही तो आएगा पासिंग मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स ये तो आएगा। तो पासिंग हमें क्या याद करना उत्तीर्ण प्रतिशत यानी पासिंग परसेंटेज का नंबर याद करना है। तो इक्वल में क्या आएगा पासिंग मार्क्स हमारे पास कितने हैं 585
बट क्या लिखेंगे, मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास कितने हैं टोटल प्रोडक्ट 1500 का, 1500 इनटू में क्या करते हैं प्रतिशत के द्वारा करते हैं इनटू में 100, किससे घटता है 15 से डिवाइडेशन करने पर क्या आता है 15 से 45 कितना 13 135, 15 में 135 कितना 39 प्रतिशत। ये तो पूछा है कि उतना प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उतना प्रतिशत कितना आया हमारे पास 39%, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सेकंड मेथड से करते हैं, सेकंड मेथड इसमें क्या है, प्रश्न में क्या दिया है कि यदि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, क्या लाता है 25% अंक लाता है, 25% अंक लाता है तो 210 से क्या हो जाता है 210 से फेल हो जाता है। यदि प्रश्न में दिया हुआ है कि वह यदि वह 25% अंक लाता है तो वह 210 से फेल हो जाता है, यदि वह 55% अंक लाता है, यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 से पास हो जाता है। ये तो मैं दिया है, देखो कोई यहां पर वैल्यू है मान लो, ये यादी हुई है ठीक है, तो ये 55 यदि वो 25% अंक लाता तो वो क्या होता है माइनस 210 नंबर कम है तभी तो वह 210 से फेल होगा, यदि वो 55% अंक लाता है तो वह 240 से पास हो जाता है, यानी जब उसके 55% नंबर आते हैं तो 240 नंबर अधिक से पास होता है, ये मैं किसी में दिया हुआ है ठीक है। तो मैं उतना प्रतिशत ज्ञात करना है, पहले तो ये करते हैं क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंस कितना होता है, कितने अधिक नंबर बनाए इसने यहाँ पे 30%, ये तो अधिक बनाए, जबकि ये बता रहा है कि यदि 210 नंबर आता है तो वह फेल हो जाता है, यानी 210 नंबर कम होते हैं, और जब वो 240 नंबर आता तो वह 240 अधिक से पास हो जाता है, अधिक से पास होता है, तभी हम क्या करेंगे एड करेंगे 0, 5 और 4 कितना हमारा है 450। तो 30% का प्रतिशत रिलेशन कितने नंबर के आवश्यकता है 450 की, तो 1% के लिए क्या आएगा 15, तो 15 आएगा 1% के लिए क्या आएगा 15, तब वकी सॉरी आगे क्या दिया होगा कि उत्तीर्ण प्रतिशत याद कीजिए, तो 25% नंबर बनाता है तो 210 से पहले हो जाता है, तो 210 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगी 1% वैल्यू क्या 15 है, तो प्रतिशत में बदलने सॉरी प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 15 से डिवाइडेशन, 1% वैल्यू क्या दी हुई है 15 है, तो प्रतिशत को बदलने के लिए क्या करें 15 से डिवाइडेशन करेंगे, 15 का 15 कितने बच्चे आगे 6 15 45 15 60 क्या होगा 14, तो 14% दूसरे पास होने के लिए कितने प्रतिशत नंबर की आवश्यकता है 14% की और आवश्यकता है, जब भी पहले उनके पास कितने नंबर हमारे आए थे 25% आए थे, उनके पास नंबर कितने आए थे 25%, जब उस अब उसे कितने नंबर की पास उत्तीर्ण प्रतिशत यानी कि उसे पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है प्लस 14% की, तब उसे टोटल कितने प्रतिशत की आवश्यकता है 39%। ये तो हमें पूछा है कि उसे उतना प्रतिशत याद कीजिए, तो उसे उतना प्रतिशत कितना होगा 39%। आज के लिए इतना ही बहुत है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्लास को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, थैंक यू।